है जो हमारे अन्नदाता है। इसलिए आप सब लोग, जब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी माँ पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दे कि इनके गीदर भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंसराज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, कितने लोगों को जेल भेजोगे, लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, दो चार बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले। लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी, मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रही हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही हैं, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है, ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे, देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है, पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17-17.5% युवाओं के पास ही काम है, यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं। और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे।
बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सूचना, हमारे पुलिस के जो साथी हैं यहाँ पे और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, ये शांति पूर्व पूरी शांति से ये रैली चल रही है। बहुत सारे लोग अभी रैली में ग्राउंड के बाहर हैं। आप लोगों ने एंट्री बंद कर दी है, ये बात ठीक नहीं है। लोग बाहर खड़े हैं, आप उसकी एंट्री खुलवाइए और लोगों को अंदर आने दीजिए। ये जितने भी पुलिस के साथी मेरी बात सुन रहे हैं और अगर यहां पे कोई सीनियर ऑफिसर हैं तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एंट्री रोक दी है, लोग बाहर खड़े हैं, आप लोगों को अंदर आने दीजिए। अब मैं इनवाइट करूंगा तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन, अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, आई विल कीप द टाइम, यू हैव गिवन मी 6 मिनट्स, आई विल ओनली स्पीक फॉर हाफ द टाइम। आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द डिग्निटरीज ऑन स्टेज एक्सेप्ट फॉर टू, वी हैव टू एम्प्टी चेयर्स फॉर देम, मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड मिस्टर हेमंत सोरेन, यू आर विथ अस इन स्पिरिट। Let me first state, the All India Trinamool Congress is very much, was, is, and will be part of the India Alliance. This is a fight, BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee, which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions. Friends, after the tragedy of Pulwama, former governor Satyapal Malik, not me, not any party from here, former governor Satyapal Malik has publicly said that Narendra Modi did not even want to know the truth to come out. The truth about 40 of our brave jawans who sacrificed their lives. What did Narendra Modi want to hide? Why did Narendra Modi do cheap politics when our jawans sacrificed their lives? Desperately seeking votes was Modi. We want the truth to come out to honor our brave jawans. We demand a white paper so the truth comes out. Shagarika Ghosh, my colleague,
will use the remaining time to speak in Hindi. Greetings from Mamata Banerjee, who has begun her campaign in Bengal today as we speak, to take on the BJP. Greetings and good wishes from her. मंच पर बैठे आदरणीय प्रमुख नेतागण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। जैसे मेरे वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। हमारे अध्यक्ष ममता बनर्जी आज सभा में नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने आज से ही चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, पर मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से इंडिया अलायंस में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। मोदी सरकार के पास एक यंत्र है जो विपक्ष को कुचल रही है और इसका नाम है ईडी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। एक विज्ञापन था निर्मा पाउडर का, जो दूध सी सफेदी निर्मा से आए। तो ये है कि जो भी बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर चला जाता है तो एक दूध सी सफेदी छा जाती है उनके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की राजनीति जहाँ एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये राजनीति हमारा सामाजिक ढांचा और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। हर राज्य के कुछ ना कुछ खासियत है। बंगाल में हम देखते हैं कन्याश्री, रूपश्री जैसे प्रोग्राम जिन्होंने महिला को आगे बढ़ाया। जैसे आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं हमारे देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम दिया, तेलंगाना में रायतू बंधु स्कीम है, केरला ने 100% लिटरेसी प्राप्त की, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया। आपकी बात सुनी, आपकी समस्याएं को सुलझाने में पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपनी राय सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, किसी की राय नहीं लेते, राज्यों के जो खासियत है वो स्वीकार नहीं करते। बंगाल के गरीब कल्याण पैसे नहीं मिले, 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बंगाल से लिया है पर 1 लाख करोड़ बंगाल को मिलना है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को नरेगा के पैसे नहीं दिए गए, 59 लाख नरेगा के श्रमिक को वेतन नहीं मिले, 11 लाख लोग बंगाल में बेघर हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने बंगाल की पैसे रोक लिए हैं। यही है गंभीर सच्चाई। पैसा कहाँ जाता है? पैसा वहाँ जाता है जहाँ सरकार को गिराना है, जहाँ विपक्ष का सरकार को गिराना है, जहाँ MLA की खरीद फरोख्त होती है। बाढ़ पीड़ितों के पास पैसे नहीं जाएंगे, गरीब कल्याण के लिए पैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ MLA की खरीद फरोख्त के लिए पैसे जाएंगे। ये एक नेता, एक व्यक्ति, एक राज्य, एक पार्टी, एक दल की राजनीति से हमारा देश का विनाश हो रहा है, कीमतें बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं, देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है, 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। ये है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं, दूध का दाम 61% बढ़ा,
टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी जीरो वारंटी है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें। आपसे हम कहना चाहते हैं कि याद रखिए कि 2024 का ये आम चुनाव तानाशाही वर्सेस लोकशाही का चुनाव है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकेगा, बीजेपी को टक्कर दे सकेगा, उसको वोट दीजिए। ये है हमारा गौरवशाली लोकतंत्र, हमारा प्यारा लोकतंत्र, हमारा मशहूर लोकतंत्र, इसे खत्म मत होने दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। हेलो, मैं सबसे, जो भी मंच पे हमारे लोग हैं, सब मेरे से बहुत सीनियर हैं, पॉलिटिकली भी हर चीज से, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत सीनियर, देखिए सीनियर सीनियर मोस्ट लीडर्स अभी बोलने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके अपनी बात को शॉर्ट में रखिए ताकि सबका सम्मान हो सके। भाई लोगों, पहले मंच पे जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से डराया जा रहा है, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। सब निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है, हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूँगा, मेरे साथ 3 दफ़ा हाथ उठा के जय हिंद कहिए, मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद। जय हिंद। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम से कम में अपनी बात खड़ी खड़ी खत्म की। जोरदार तालियां फारूक साहब को, उन्होंने समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कम में बात कही। त्रिची सिवा डीएमके से आपके बीच आ रहे हैं, स्टालिन साहब का संदेश आपके लिए ला रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां त्रिची शिवाजी के लिए। रेस्पेक्टेड मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेस्पेक्टेड राहुल गांधी जी, रेस्पेक्टेड प्रिया गांधी जी, शरद पवार जी, माय गुड फ्रेंड अखिलेश यादव जी एंड मिस्टर तेजव जी, कॉमरेड यचूरी, वनकम टू ऑल। आई शैल नाउ हैव द प्रिविलेज ऑफ रीडिंग आउट द मैसेज सेंट बाय मिस्टर एम के स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द डीएमके पार्टी। वनकम। I convey my strongest condemnation, both personally and on behalf of my party, the DMK, for the unlawful arrest of my beloved friend,
the Honorable Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The BJP High Command has been committing errors in desperation as a formidable alliance against the BJP is formed by the opposition parties. The very term India became bitter for them after we formed our alliance. The BJP High Command views the leaders of India as enemies of our country, treating non-BJP state governments atrociously. They have engaged in cheap tactics such as toppling democratically elected governments and breaking alliances against them. Subsequently, they unleashed investigating agencies like the CBI, IT and ED to intimidate us. Those who succumb to fear join the BJP, and all actions against them are halted, even cases against them. And imprisoned. This sounds like an undeclared emergency in India. Our beloved friend and Jharkhand Chief Minister of our India bloc. However, these arrests cannot dislodge the NDA bloc. Instead, they only strengthen our resolve. When the going gets tough, the tough gets going. We are witnessing the same in all states. Until a few months ago, the BJP was arrogant, believing they would win the election somehow. However, each state, they are moving closer to defeat. They have resorted to unleashing their agenda, such as the CAA, UCC and Ram Temple, one by one, helping to save their sinking ship. But none of these measures are helping. Hence, they have turned to arresting leaders of the India bloc. This reflects the BJP's growing desperation in the face of imminent defeat. The arrest of Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal is a clear indication of the desperation. The BJP is well aware that Arvind Kejriwal's electoral campaign would draw a huge crowd and reception. That is why Prime Minister Narendra Modi has arrested him to halt the campaigning. However, more than the awareness that would have been created through Arvind Kejriwal's campaign, his arrest has created, sparked a greater political awareness among the public. The educated, the middle class, the upper class and the youth community who welcomed Arvind Kejriwal's entry into politics are shocked by his arrest. They are convinced that the BJP is the act of political vendetta by Narendra Modi. Even those who used to support PM Modi have started to criticize the arrest of Arvind Kejriwal. The dwindling support for PM Modi is further damaged by the arrest of Kejriwal. My friend Kejriwal is not just leading his state from Delhi, but from the prison he is also leading. He is also serving as a source of inspiration for all of us in the Indian bloc. PM Modi would be disappointed if he thinks he can damage our unity by arresting Delhi Chief Minister Kejriwal. People are keenly observing every single happening across India. History shows that nobody has succeeded through tyranny. Actually, the national capital cannot be deprived. It will only increase the determination to unseat the BJP. The cadres of Aam Aadmi Party in Delhi, Punjab and other states will not be pulled down. The DMK will always oppose dictatorial steps, whatever form they take, the stand with the same resolve.
the leaders of the India bloc should continue our protest firmly. If Modi comes to power again, the democratic and constitutional characteristics of India would be uprooted. Please take this message to the masses. Let us not forget that we can defeat Modi only through our unity. The formation of alliance has proceeded smoothly in many states. Talks pending in the states will also be finalized. Our dear friend Arvind Kejriwal will come out of the prison very soon. He will surely come to strengthen the end in which our India bloc. I convey my regards to all the leaders who have come to this protest. Tamil Nadu is facing elections in the first phase in April 19. I have been traveling hundreds of kilometers each day to campaign and meet the scores of people. I could clearly see that the people of Tamil Nadu are ready to dismantle the fascist BJP. I am unable to attend the meeting in Delhi because of my electoral campaign is ongoing. I have deputed DMK leader of the upper house, Mr. Tiruchi Siva, kindly bear with me for not being able to be with you all. Let us defeat the fascist BJP. Let us form a federal India, signed by Mr. M.K. Stalin. And on the 15th of August 2024, on the occasion of Independence Day, the Prime Minister of India Alliance would hoist the national flag in the Red Fort. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एक बार सब लोगों को चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे बीच में हैं. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वे बहुत कम जगह जाती हैं पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर. वो समय निकाल के आई और हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया. हम हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं. इसी श्रृंखला में मैं सीताराम येचुरी जी को बुलाऊंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात बहुत संक्षिप्त में सबको रखें, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, सीनियर लीडर्स हैं जिनको आपके बीच में अपनी बात रखनी है. सीताराम येचुरी जी, जोरदार तालियां. मंच पे बैठे हुए सब वरिष्ठ नेतागण, सोनिया जी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ईस्टर की त्योहार का शुभकामनाएं यहाँ सबको. ईस्टर का मतलब समय के कालचक्र को एक नया ऊर्जा देना, और ये नया ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ. जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को. यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहाँ से नारा निकला था, आज़ादी या गुलामी. और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आज़ादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ. आज यहाँ पर वही नारा लग रहा है, हमें चाहिए हमारी आज़ादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आज़ादी है. इस आज़ादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारी देश को बर्बाद करने में तुली हुई है. तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए. इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताकतें, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनको जिताकर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करें, ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा. आखिर में समझिए, असली बात
जो आज कलयुग का अमृतकाल है। कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाइशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है। आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का। और इस अमृतकाल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तभी हमारे भारत को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारी अपील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको, हमारी अपील यही है कि आखिर में ये नारा हमारे साथ दीजिए आप। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो जेल में हैं, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे, आज वो शेरनी यहाँ बैठे हैं, आज उनको रिहा करवाएंगे, जेल के जंजीरों को तोड़ेंगे और इनको रिहा करवाएंगे, तभी हो पाएगा जब इस संविधान की रक्षा होगी। तो नारा जो लगेगा आज, जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत, आप कहोगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, और जोर से मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। शुक्रिया, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अगली कड़ी में मैं बुलाऊंगा उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी को। मंच पर हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता मंच पर उपस्थित, सभी दलों के हमारे नेता इस सभा में आए हुए, आप पार्टी के माध्यम से हो रही इस महारैली में उपस्थित सभी कार्यकर्ता नेता माताएं बहनें नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महारैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं, कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे
तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया, जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता है उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा, और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़िए हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा, और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, और भी दल के जो कार्यकर्ता नेता आए हैं मैं उनका विशेष आभारी हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके बीच में इन्वाइट करूंगा एनसीपी के नेता शरद पवार जी को, वो अपनी बात रखेंगे। मैं आप सब का स्वागत करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री,
इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, ये प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियां आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी तो दिखा रहे हैं, इस बारे में हम लोगों को सोचने का समय आ गया। और सोचना हो, आज केजरीवाल घर हमला हुआ, उनको जेल में भेजा, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसी तरह से भेजा, और इससे पहले चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे MLA हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। यह एक्शन संविधान पर हमला है, यह एक्शन प्रजातंत्र पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रजातंत्र पर हमला होता है, तो हर राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे, मैं कोई ज्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे, वह एक बात हमेशा ध्यान में रखती है कि आपका वोट भाजपा और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए, उनका डिफीट करिए, और देश के सामने आप गलत रास्ते भर जाते हो तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है, इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं वो दीजिए। इतना ही मैं कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। अब मैं जिन्हें इनवाइट करूंगा वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत की पैदल यात्रा की। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, और उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। जोरदार तालियों से सब साथी स्वागत करेंगे माननीय राहुल गांधी जी का। स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता खारगे जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपा सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरेक ओब्रायन जी, कल्पना सोरेन जी, त्रिचि सिल्वा जी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराजा जी, तिरुटोल जी, खुरुम अनिस उमर जी, और स्टेज से मैं केजरीवाल जी
और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है भाई और बहनों? इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से
धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। ये जो संविधान है हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा, अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर डराकर पुलिस सीबीआई ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, मुझे बताइए जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ, किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ, किस किसान को फायदा हुआ, किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन। 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, ये आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है,
पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल मैं से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाव से कुछ ही महीने पहले। अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते, नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को स्टेज पे इनवाइट करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सीनियर नेतागण का मैं बहुत तहदिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा हौसला बढ़ाया। एक बार मैं तालियां चाहूंगा आपकी तरफ से भी। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के
ये आजादी हमें दी है, ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो, इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है, ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं, मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन, आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती, किसी को दिहाड़ी देके मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना वो बात असर रखती है, जब दिल से बोलता है। ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जैसे राहुल जी कह रहे हैं, ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीए ये लेके आए, मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब, मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, कहते नहीं जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे, नहीं, मैंने कहा जी 20 सेकंड, कहते 20, मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब, तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं, आज सभी के मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए, ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से कोई हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको, आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है, गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही झुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
अब मैं इनवाइट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वो अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आज देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने बचपन से अब तक बहुत सारे 51 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, इन्होंने आपके सामने है। आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हो रही लोकतंत्र बचाओ रैली में पधारे आप सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और ये मंच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे एकता में, हमारे विविधता में एकता है, ये दर्शाने के लिए आज ये जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, और इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और खासकर ये जो मीटिंग है, इसका एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए इस सभा में उपस्थित हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपई सोरन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डॉक्टर राजा डी राजा जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरिक ओबराय जी, कल्पना सुरेन जी, तिरुचि शिवाजी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराज जी, तिरुतोल जी और कोरम अनीस उमर जी, इतने पार्टी के नेतागण इस मंच पे बैठे हैं। और ये किस लिए बैठे हैं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, सॉरी कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे, वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है, तो मैंने यही कहा हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। और खास करके मुझ पे जो पेनल्टी लगाई है वो 3,567 करोड़ का, 3,567 करोड़ की पेनल्टी मुझ पे लगाई है। 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने 135 करोड़ का जुर्म लगाया। ऐसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके आज
3,667 रुपए कर दिया, ताकि जैसा राहुल जी ने कहा हम प्रचार न कर सके, कहीं भी जा नहीं सके, कहीं जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को कोने कोने में भेजना नहीं। ये तरीका मोदी जी ने अपनाया है और डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं, और ये कह रहे हैं अगर आप कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में जाएंगे तो आपको क्या जेल चाहिए, क्या आपको गठबंधन चाहिए। यह मैं दावे के साथ कहता हूं किन किन नेताओं को उन्होंने डराया, ऐसा ही डरा डरा के बहुत से एमपी खरीदा, एमएलएज खरीदा और उन्होंने नए सरकारें बनाई। ये है मोदी की नीति और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमको लड़ना है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे, और संविधान नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए, मेरे माताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप याद कीजिए अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते, क्योंकि उनके विचार वैसे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मिलकर एडल्ट फ्रेंचाइज लाकर हर एक आदमी को वोटिंग का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे कारखाने का बड़ा से बड़ा धनी हो, सबको अधिकार मिला। इससे पहले था क्या? आज बड़े बड़े बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। कौन लीडर ऐसा बताओ? यही बीजेपी वाले, यही आरएसएस वाले जनसंघ के नाम पे थे, तब क्या करते थे? तब ये सरकारी नौकरी में जाने के लिए लोगों को कहते थे, ये कहते थे क्विट इंडिया आंदोलन में भाग मत लो, गांधी जी की आइडिया अच्छी नहीं है, ये कहते थे, ये नौकरियों में रहते थे, ये व्यापार करते थे और देश के लिए कभी नहीं लड़े। मैं उसी लिए कई बार बोलता हूं, इनके घर का एक स्वान भी भोगता नहीं था, ऐसी लेकिन हमारे लोग सूली पे चढ़े, हमारे लोग लड़े, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के तरफ हमारा ध्यान है, और इसीलिए हमको ये जरूर होगा कि हम सबका विकास चाहते हैं,
चंद अमीर मित्रों का विकास मोदी चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना होता। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों, और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये लोग आज, ये तो देखिए, ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है, आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है। अगर आप चाहते हैं, चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, क्या बोलते हैं आपके इसमें मुझे मालूम नहीं, चाट के, तो चाट के अगर विष को देखेंगे तो भी मरेंगे, विष पियेंगे तो भी मरेंगे। तो वैसा चाट के एक बार देखने के लिए मत जाओ, और एक बार देखे हैं तो मोदी देश को खराब करता है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसमें तो मशहूर हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए शायद यहां से, ये वक्त वक्त नहीं, ये वक्त वक्त नहीं एक मुकदमा है, ये वक्त वक्त नहीं एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, ये उनका कहना है। या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिए। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो, और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा था। तो इसलिए मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। क्या यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? क्या यह मैदान है? जैसा मैं राहुल जी का क्रिकेट का जिक्र किए थे, साहब क्रिकेट तो सब लोग ठीक ठाक मैदान बनाते हैं और पिच भी अच्छा करते हैं तब लोग खेल पाते हैं। यहां तो मोदी सब तरफ खड्डा खोद के हमको क्रिकेट खेलो बोल रहा है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार हराना चाहिए। जब तक इनको हराएंगे नहीं तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए, और ये इसलिए जरूरी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या सिर्फ आज एक केजरीवाल जी के लिए नहीं है, या हेमंत के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। और ये जरूरी है, गरीब को, किसान को, मजदूर को, छोटे मोटे व्यापारियों को, इनकी रक्षा करने के लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाओ। ये 226 की चुनाव होगी युवाओं के रोजगार के लिए, ये चुनाव होगी बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर, ये चुनाव होगी किसानों के एमएसपी गारंटी पर, ये चुनाव होगी लोगों की हिस्सेदारी,
जो राहुल जी ने बीड़ा उठाया है कि जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जनसंख्या है उसको उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जनसंख्या भारी है उसको न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए वो जो आवाज उठाए इसकी भी लड़ाई है और भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है। और चुनाव देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने की है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही वायदा, मैं अपेक्षा करता हूं जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो, ये हमारा उसूल होना चाहिए, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो, हम येचुरी साहब डी राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। उसी ढंग से हम आप आदमी से हम यहाँ पर लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं, तो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। तो ये जो बना, ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। अगर वो व्यक्ति संविधान बचा, हर व्यक्ति बचेगा, और जो अच्छा काम करता है वो जरूर बचेगा। तो इसीलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा, हम लड़ेंगे और बीजेपी को ये बताएंगे, भाई तुम्हारा ज्यादा हुआ बस करो, लोग अंडर करंट है, आप ये मत सोचो 400 पार की जो बात करते हैं ये 400 होने वाला नहीं है, चुप लोगों को डराना धमकाने की बात करते हैं। अरे हमारे पास वो हिम्मत है, हमने कई लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने कई लड़ाई लड़ी है, बीजेपी के लोग तो एक बार दो सीट आए थे उनके, दो ही सीट, आपको मालूम होगा दिल्ली वाले आप बेहतर जानते हैं, तो ये दो सीट लिए सो लोग बार बार दूसरों को गालियां देते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आखिरी में एक बात कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, तो वो ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए जो मुश्किलातें हैं उन मुश्किलातों को हम सब मिलके दूर करेंगे। और मोदी का क्या है, कोर्ट भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, सभी कुछ उसके पास है। और इसीलिए मैं, एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो दलील भी तुम, अपील भी तुम दलील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, सब उनका, वकील उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को टिकाना आप में जोश आना चाहिए और जोश के साथ हम लड़ते रहेंगे। मैं करूंगा, मैं कहूंगा जय हिंद जय हिंद। क्या यारो उधर के पीछे के लोग बोल रहे हैं, आपको नहीं होना जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
सबको धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अब मैं स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सुरेन जी से कि वो अपनी बात रखें। मैं माफी भी मांगना चाहता हूं, उनको बहुत देर हमने इंतजार किया। चंपई सुरेन जी बोलेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ेंगी और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तो आप सब लोग रुकिएगा। लोकतंत्र बचाओ, बचाओ इस सभा में रामलीला मैदान दिल्ली में मंच में हमारा इंडिया गठबंधन के सभी सीनियर नेतागण, आज जो भी उपस्थित हमारा भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले हमारे ओर से जोहार। आज हम बड़ा कम शब्दों में आप लोगों को कहेंगे, हम झारखंड प्रदेश, हम ईडीआई, सीबीआई, आईटी से हम लोग संघर्ष करके आ रहे हैं। हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन जो कभी झुका नहीं है, ना झुकेगा, देश के अंदर एक ऐसा संदेश देने का काम करेंगे जो लोकतंत्र किस तरह से बचेगा, ये सरकार झारखंड से बिगुल बजा के हम लोग दिखाएंगे कि आज इस लोकतंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी, एक पूरा देश में हुकुम, ये किस तरह का विडंबना है एक लोकतंत्र में। यही बोलने के लिए हम आए हैं कि आज कवि हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया है। यही तो लड़ाई लड़ा है वहां, हमारा पूर्वजों भी इसी तरह से झारखंड में लड़ाई लड़ा है। इसलिए आज यहाँ से पूरा भारत में संदेश जाएगा, हम सब एक है, ऐसा तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसा विचार को हम लोग झार या प्रदेश में या देश में हम लोग किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे, ये सोच करके हम लोग को आज संकल्प लेने का दिन है। और इसी चुनाव में वोट का माध्यम से हम लोग देंगे। जिस तरह से आज केजरीवाल, उसका नाम नहीं है, किसी का बोल दिया उसका इसमें शामिल है, गिरफ्तार कर दिया, जो न्याय की रास्ता में जाते हैं उसी तरह बाधा विघ्न पहुंचा है। इसलिए हम लोग घबराते नहीं है, संघर्ष का उपज है। हम लोग भारत देश में किस तरह से लोकतंत्र बचेगा, किस तरह से प्रदेश का मान सम्मान बचेगा, उसका लिए हम सब एक है। अरे तानाशाही हम लोग समाप्त करेंगे और लोकतंत्र को बचा कर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सुरेन जी, आपने बिल्कुल समय की सीमा का ध्यान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे इंडिया गठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे पढ़ने के लिए कहा है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ, हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है।
मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वह अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया पर गठबंधन की पांच मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की पांच सूत्री मांगे, भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं सभी लीडर से कहूंगा कि वो मंच पे आके एक फोटो, साझा फोटो
एक साथ कराएं। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, है? चलो। अब साथी, सभी साथी अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए।